ओके, बर्नौलीज थ्योरम। ओके, बर्नौलीज थ्योरम पे आ जाते हैं। बर्नौलीज पर्सन का नाम है बर्नौलीज थ्योरम। ओके, थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन या थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम जैसी है, देखो जरा, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मेरी आवाज आ रही है ना भोजन का सबको? यस सर। हाँ, प्रॉब्लम हो तो बताना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ओके, नाउ अगर कोई लिक्विड मोशन में, तो इट हैज थ्री काइंड्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, अ लिक्विड इन मोशन हैज थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी। उनके पास थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी होता। नंबर वन, ऑफकोर्स मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी तो जरूर होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको मालूम है, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एक और एनर्जी हो सकती है, दैट इज पोटेंशियल। हाइट पे डिपेंड करता है। पाइप सपोज कर लो ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हाइट पे भी डिपेंड करता है। तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको मालूम है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यू से डिनोट करेंगे, दैट इज एमजीएच। और एक एनर्जी और होता है, क्योंकि लिक्विड मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, व्हाट एवर इट इज, सो वो प्रेशर एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। प्रेशर एनर्जी, आपके ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं प्रेशर एनर्जी को। प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला होगा, प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला होगा, दैट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। आपके ये कौन सा फॉर्मूला, प्रेशर इनटू वॉल्यूम एनर्जी का फॉर्मूला होता है। आप अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। आप देखिए, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर का फॉर्मूला, डायमेंशन क्या होता है, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, और वॉल्यूम क्या होता है, एल थ्री। तो अल्टीमेटली वो क्या आ जाता है, एम वन एल टू टी माइनस टू। ये किसका डायमेंशन हो गया, एनर्जी का डायमेंशन हो गया। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है वो एनर्जी का डायमेंशन होता है, दैट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ, प्रेशर इनटू वॉल्यूम एनर्जी होता है। आर्गुमेंटिंग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाएंगे कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम एनर्जी होता है। आर्गुमेंटिंग प्रेशर एनर्जी की बात करो, अच्छा प्रेशर एनर्जी कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसको पी लिख देते हैं, पी फॉर प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, ठीक है, ये प्रेशर एनर्जी। ओके, एक मिनट रुको, प्रेशर एनर्जी को, हाँ प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो तीनों एनर्जी समझ में आया आपको बॉयज एंड गर्ल्स? यस। अच्छा, एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, एक डायग्राम लेते हैं पहले, ठीक है, समझो, बाद में कॉपी करना, समझते जाओ। आपको काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम एनर्जी होता है, ये बात ध्यान रखना। उसका डायमेंशन भी एनर्जी के डायमेंशन के बराबर हो। ओके, नाउ सपोज कर लो, यहाँ पर हम लोग कोई इस तरह से पाइप ले लेते हैं, लेट्स से कुछ ऐसा ले लेते, लेट्स से ओके, कुछ इस तरह से, और ये है ग्राउंड, ये हम लोग ग्राउंड ले लेते हैं इधर, दिस इज अ ग्राउंड हियर,
और लिक्विड फ्लो कर रहा है, लेट से वो नीचे से ऊपर जा रहा है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ऊपर से नीचे भी जा सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स मेरी आवाज आ रही है ना? अच्छा ठीक है, ओके। नाउ लेट्स से मैं इसका हाइट लेता हूँ, हाइट हम लोग यहाँ से लेंगे, हाँ इधर से लेंगे। सबको आवाज आ रही है ना बॉयज एंड गर्ल्स? सर एक मिनट ऊपर का स्क्रीन आना प्लीज। हाँ कॉपी कर लीजिएगा, वेट। ये हाइट एच वन है, ये हाइट एच टू है। हाइट जो लेंगे ना कहाँ से लेंगे? बिल्कुल एक्सिस से लेंगे, मतलब जो ट्यूब होता है ना उसके सेंटर से एक्सेस से लेते हैं। एक्सेस तो समझते होंगे ना, कोई अगर पाइप जैसा है तो एक्सेस कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा, वहां से हाइट लेते। ओके अच्छा, लेट्स से जब एंटर कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है? वी वन। और जब एग्जिट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है? वी टू। यहाँ पे प्रेशर है पी वन, यहाँ पे प्रेशर है पी टू, ठीक है। तो आर यू गेटिंग ऑल द टर्म्स? और ये डेंसिटी कितनी है? रो। कॉपी ऑन द डायग्राम। Write down fast, draw the diagram. हाँ लिखिए, मैं स्क्रॉल करूं बॉयज एंड गर्ल्स? ओके जल्दी करो। ओके नाउ लुक हियर, डायग्राम देखो जरा, एरर इंटरप्रिटेशन हियर। मैं डायग्राम पहले स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे मैं समझा रहा हूँ, देखो जरा। अगर ये ऊपर से नीचे जा, जिस नीचे से ऊपर जा रहा है तो हाइट बढ़ रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो आपको मालूम है जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एरिया ए वन है, यहाँ पे एरिया क्या है? ए टू। तो यू कैन से ए वन इज लेस देन ए टू, ए वन ए टू से कम है, सो वी वन इज लेस देन वी टू। ए वन ए टू से कम है तो इसका मतलब वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, जिसका मतलब जो नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो लेट्स से दिस इज पोजिशन वन एंड दिस इज पोजिशन टू, तो वन और टू को कंपेयर कर रहे हैं, वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे ज्यादा ले लिया, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? क्या होगा हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस हाफ एम v2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये तो पॉइंट नंबर वन हो गया,
सेकंड पॉइंट, लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, टू पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है तो हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो नीचे हाई होगा यहाँ पे लो होगा, तो डिक्रीज इन प्रेशर एनर्जी, डिक्रीज इन प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी क्या है, पी वन वी वन, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, नहीं, माइनस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो हमने प्रेशर इनटू वॉल्यूम माइनस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, मतलब डिक्रीज हो रहा है प्रेशर, वन पे प्रेशर ज्यादा था वहां पे प्रेशर कम हो रहा है। अच्छा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो ये हो जाएगा दैट इज मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, मास तो सेम होगा डेंसिटी भी सेम होगा, यस, मास अपॉन डेंसिटी, और यहां पे भी क्या होगा दैट इज पी टू मास अपॉन डेंसिटी, सेम वॉल्यूम फ्लो करेगा ना, वॉल्यूम अलग अलग थोड़ी ना रहेगा, वॉल्यूम फ्लो रेट तो सेम रहता है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया दिस वन, ओके, तो वॉल्यूम इनफैक्ट सेम रहेगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम माइनस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या रख दिया, मास अपॉन डेंसिटी, ओके, थर्ड, लेकिन आप देखो कि वो नीचे से ऊपर जा रहा है, जिस ये वो हाइट जो है एच वन कम है, एच वन इज लेस देन एच टू, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, अगर वन और टू को कंपेयर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, तो एच टू वाला ज्यादा होगा, तो एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन, एच वन इज लेस देन एच टू ना, सो हम लोग क्या करेंगे, एच टू को पहले लिखेंगे, एच वन को बाद में लिखेंगे, क्योंकि एच टू ज्यादा है, तो अब एनर्जी कंजर्वेटिव, काइनेटिक एनर्जी क्यों कम हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर कम हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, प्रेशर भी कम हो रहा है, लिक्विड फ्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, हाइट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब आउट ऑफ थ्री एनर्जीज वन इज इंक्रीजिंग एंड रिमेनिंग टू डिक्रीजिंग, तुम कैसा भी डायग्राम लो कुछ तो ऐसा बनेगा, सो बोलो क्या आ रहा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन को देखेंगे, कंजर्वेशन अगर एनर्जी कंजर्वेशन को देखेंगे तो जो डिक्रीज होगा वो इंक्रीज के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हो रहा है एक्चुअली वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट भी हो रहा है, इज इट क्लियर? इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिक्रीज इन decrease in kinetic energy plus decrease in pressure energy is equal to increase in potential energy, ठीक है ना, ये decrease और increase बराबर होना चाहिए energy conservation के according, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ये क्या आएगा, हाँ एम बी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम बी टू स्क्वायर प्लस पी वन एम अपॉन दो माइनस पी टू एम अपॉन दो, इधर क्या हो जाएगा एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन, ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है ना, एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन, इधर हो जाएगा एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन, तो सब में मास क्या होगा वो कैंसिल हो जाएगा, मास विल गेट कैंसिल, ठीक है, आप हाफ कॉमन ले लो या वन वाले टर्म लेफ्ट की तरफ ले जाओ, टू वाले टर्म राइट की तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी वन अपॉन रो प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू, उसको लेफ्ट की तरफ लाओ, प्लस जी एच वन, और इधर हो जाएगा पी टू अपॉन रो प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू
प्लस जी एच टू, तो ये हमारा कैसा इक्वेशन आ गया, पी अपॉन डो प्लस वी स्क्वायर बाय टू प्लस जी इंटू एच इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब अगर चाहो ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, या एक काम करो पूरी इक्वेशन को रो से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय रो, तो हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, p प्लस रो वी स्क्वायर बाय टू प्लस रो जी एच इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये किसके बिटवीन रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, रिलेशन एस्टेब्लिश करता है बिटवीन प्रेशर वेलोसिटी एंड हाइट, रिलेशन बिटवीन बिटवीन प्रेशर वेलोसिटी एंड हाइट। बर्नौली थ्योरम जो है वो तीन बातों के बिटवीन रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, बर्नौली प्रिंसिपल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर वेलोसिटी एंड हाइट, मतलब पी प्लस रो वी स्क्वायर अपॉन टू प्लस रो जी एच इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, या फिर ऊपर वाला बोल दो रो पी अपॉन रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू प्लस जी इंटू एच इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। व्हाट दिस वन, समझ में आई ये डेरिवेशन, बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। वहां से कॉपी करना है आपको, ये कर चुके थे ऊपर वाला पार्ट, तीनों काइनेटिक एनर्जी लिख लिया था। तो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए क्विकली, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, स्क्रॉल करते हैं फिर। ड्रॉ द डायग्राम, सो प्लीज कूल डाउन। हाँ कॉपी कर लिया वर्जन गर्ल्स? वेट सर।
ना लुक यार, अब तुम चाहो तो ऐसे भी ले सकते हैं ना, मल्टीप्लाइड जस्ट मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन रो इन टू जी, तो पूरी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, पूरी इक्वेशन इस टाइप बन जाएगी, दैट इज पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस एच इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, कैसे भी कर लो। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड बोलेंगे, हाँ वेलोसिटी हेड, और इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, is always constant। वैसे ये वाला हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो, एक ही तो है सब, बस क्या है कि पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो तो एक नया बन जाता है, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ नया बन जाता है, मतलब है तो एक ही इक्वेशन ना बेसिक। तो ये वाला मैं ज्यादा यूज करता हूँ, तो आई विल टेक एवरी टाइम दिस इक्वेशन, दिस वन ईयर, ये वाला, बट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओके कहाँ पे थे आप लोग, ऊपर स्क्रॉल करें कि नीचे करें, इधर ठीक है, ओके जस्ट डू इट फास्ट। Once you complete, just inform me, so I will scroll it down. Scroll down, please.
Okay. Everybody, once you complete, just inform me. So I will take some examples. इसको पता है कैसे use करेंगे. मैं कुछ examples लूँगा. ठीक है. Done, sir. Okay. Yes, I am taking some example. ठीक है. So example number one. अगर सपोज कर लो कि अच्छा जरूरी नहीं कि तीनों यूज करोगे. अरे डिपेंड करता है ना. अगर कोई कांस्टेंट होगा तो क्यों यूज करोगे. अच्छा तो एक में प्रेशर आता है, वेलोसिटी, हाइट. ये मैंने बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ कि प्रेशर, वेलोसिटी, हाइट. इन तीनों में से अगर कोई कांस्टेंट होगा तो वो वाले टर्म को आप इग्नोर कर देंगे. ठीक है. ओके सही है. मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. लेट्स से अगर मैं हॉरिजॉन्टल पाइप ले लेता हूँ. लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल. हॉरिजॉन्टल पाइप ले लें. आर्किंग हॉरिजॉन्टल पाइप मतलब जैसे ये अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ सपोज को. अगर ये पाइप जो है वो इस तरह से और ये हॉरिजॉन्टल है. हॉरिजॉन्टल या फिर कोई ऐसे ले ले उसमें क्या. मैं ऐसा पाइप भी ले सकता हूँ. ऐसा क्या ये पाइप भी हॉरिजॉन्टल है. आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल है मतलब कैसे हॉरिजॉन्टल है. हॉरिजॉन्टल इस सेंस में है कि इसका अगर हम हाइट देखेंगे ग्राउंड से तो ये ग्राउंड है सपोज कर लो. और मैंने बोला था कि अगर हम हाइट देखेंगे तो हाइट तो सेम आएगी. क्योंकि हाइट सेम क्यों आएगी. क्योंकि हाइट हम कहाँ से लेते हैं. एक्सेस से लेते हैं. तो हाइट सेम आएगी कि नहीं. आप क्या है तुम ये वाले पोर्शन का हाइट देखोगे तो भी सेम आएगा और ये वाले पोर्शन का हाइट देखेंगे तो भी सेम आएगा. सिमिलरली आप यहाँ पे हाइट देखेंगे यू गेट द सेम हाइट. आप इधर की हाइट देखेंगे तो भी सेम मिलेगा. इसका मतलब अगर पाइप हॉरिजॉन्टल होता है तो हाइट सेम रहता है. तो ये वाले टर्म को आप इग्नोर कर सकते. यू कैन इग्नोर दिस टर्म. तो हम अगर बर्नौली थ्योरम यूज कर रहे हैं लेट्स से अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है लाइक दिस वे. अगर लिक्विड इस तरह से फ्लो कर रहा है लेट्स से तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं ना कि सपोज कर लो इधर का वेलोसिटी कितना है लेट्स से v1. इधर का वेलोसिटी है v2. इधर का प्रेशर है p1. इधर का प्रेशर है p2. वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं. दैट इज v1, दैट इज v2. इधर प्रेशर ले लेते हैं p1, दिस इज p2. ओके तो अगर हम बर्नौली थ्योरम यूज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल अगर बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज करेंगे देन व्हाट विल हैपन. तो हम हाइट वाले टर्म को नहीं लेंगे तो हम ले लेते हैं प्रेशर प्लस कौन सा फॉर्मूला ले लेते हैं हम ये वाला यूज करेंगे. ये दिस वन प्रेशर प्लस रो वी स्क्वायर अपॉन टू प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट. हम ये वाला यूज करेंगे. तो हो गया प्रेशर प्लस p1. इसको 1 ले लेते हैं इसको 2 ले लेते हैं. तो p1 प्लस रो v1 स्क्वायर बाय 2 हाइट का टर्म नहीं लेंगे इज इक्वल टू p2 प्लस रो v2 स्क्वायर बाय 2. ऐसे कर लेंगे हम लोग. हाइट वाला टर्म नहीं लेंगे क्योंकि हाइट तो सेम है हमारा. इसलिए हाइट वाले टर्म को इग्नोर कर देंगे. ये बात समझ में आया कि वाई. और अगर सपोज कर लो हमें वेलोसिटी अगर चाहिए सपोज कर लो तो हम ऐसे भी ले सकते हैं ना p1 माइनस p2 इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. ऐसे भी हम कर सकते हैं. इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे फिर. तो यू कैन यूज दिस इन न्यूमेरिकल. यू कैन यूज इन प्रॉब्लम्स. आर यू गेटिंग एग्जांपल नंबर 1 समझ में आया. बॉयज एंड गर्ल्स हैव यू अंडरस्टूड एग्जांपल नंबर 1. यस सर. ओके सो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं. ठीक है. ओके वन मोर थिंग बॉयज एंड गर्ल्स लिख लीजिए आप.
हाँ बॉयज एंड गर्ल्स कंप्लीट करना, मुझे इन्फॉर्म करना, मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ फिर. डन सर. ओके नो, एक बात तुमने और नोटिस किया क्या? यस सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. अगर पाइप हॉरिजॉन्टल है, लेट्स से हॉरिजॉन्टल पाइप, अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है तो आप कहेंगे ठीक है हाइट सेम रहता है इसलिए हम हाइट को इग्नोर कर देंगे. तो फिर बर्नौली थ्योरम अगर यूज करेंगे तो रह क्या जाता हमारे पास? बर्नौली थ्योरम अगर प्रिंसिपल यूज करते हैं तो रह क्या जाता? पी प्लस रो वी स्क्वायर बाय टू इज कॉन्स्टेंट रह जाता. इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि प्रेशर और वेलोसिटी ये दो बातें इनका स्क्वायर और दोनों का सम जो है वो कॉन्स्टेंट है. इसका मतलब जानते हो क्या होता है? अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा. आर यू गेटिंग? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बढ़ेगा, देखो जैसे अगर प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए एक तरीके से, क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट है ना. सम तो कांस्टेंट करना पड़ेगा आपको. ऐसे समझो, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लेक्चर में तो 5 मिनट का लेक्चर रुक जाओ. हाँ, एक्स प्लस वाई इज कांस्टेंट. एक्स प्लस वाई अगर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा कि नहीं घटेगा? ठीक है ना बॉयज? तो इसका मतलब प्रेशर अगर बढ़ता है तो स्पीड क्या होता है? कम होता है. इसका मतलब एक वेलोसिटी इज स्मॉल, प्रेशर इज लार्ज एंड वाइस वर्सा. इसका मतलब वेलोसिटी अगर स्मॉल होती है तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो यार इतना अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा. तो आज हमने दो बातें तुमको बताए. एक तो हम पहले बता चुके थे क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने ये बात बताया था कि वेलोसिटी और ए हमेशा कॉन्स्टेंट रहते हैं. तो मैंने बोला था वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. और यहाँ पे अगर बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम यहाँ पे अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो प्रेशर घटता है. तो यहाँ पे वेलोसिटी और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए. इसका मतलब अगर दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिल जाएगा दैट इज प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. ये बात समझ में आया कि नहीं? बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? यस. तो याद रखना, जब प्रेशर और कॉपी कर लीजिए इसको, तो समझाते हैं इसको. ठीक है, अब एक मिनट रह गया है, इसको कंप्लीट करने के बाद एग्जिट कर जाइए, कल हम एक्सप्लेन करते हैं इसको. ठीक है, एक्सप्लेन तो हो गया, थोड़ा बहुत एग्जांपल लेंगे. सर, यस, ऑफलाइन कॉलेज होगा या नहीं? अभी तो गवर्नमेंट पे डिसाइड करते हैं बेटा. गवर्नमेंट बोल देती है कि 14 से खोलना है, बच्चों को आ सकते हैं तो हम लोग बुला लेंगे आपको. तो आप न्यूज देखते रहिए, अगर गवर्नमेंट बोलती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि बच्चे आ सकते हैं तो हम लोग आपको बुला लेंगे. ठीक है, तो ये न्यूज देखते रहिए आप. ठीक है, एक्चुअली हमने नहीं रोका है आपको, सरकार ने मना किया है. Is it clear, boys and girls? मेरी आवाज आ रही है ना? तो आप लोग कितने कंफ्यूज क्यों हो? ऑफलाइन ऑनलाइन, नहीं ऑफलाइन ऑनलाइन को लेकर कितने कंफ्यूज क्यों हो? आप तो न्यूज देखते रहते होंगे ना, मम्मी डैडी से सुनते रहते होंगे ना. लॉकडाउन हो गया है, स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, तो उसमें हम आपको रोक नहीं रहे हैं. अगर अभी गवर्नमेंट बोल देगी ओपन करना है तो हमको बुला लेंगे, उसमें क्या?